हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं SY ट्यूटोरियल्स। दोस्तों अगर आप भी यूज़ करते हैं विंडोज़ 10 तो आप वीडियो अंत तक का जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विंडोज़ 10 में अपने इंटरनेट डेटा यूजर्स को ट्रैक कर पाएंगे। यानी कि आप विंडोज़ 10 में ये बड़ी आसानी से पता कर पाएंगे कि आपने कितना इंटरनेट डेटा यूज़ किया है पिछले 30 दिनों में, और साथ में आप ये भी पता कर पाएंगे कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा आपका इंटरनेट डेटा कंज्यूम करता है। तो आप वीडियो देखते रहिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल SY ट्यूटोरियल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दी गई है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप विंडोज 10 में इंटरनेट डेटा यूज को ट्रैक करना चाहते हैं, पिछले 30 दिनों में आपने कितना इंटरनेट यूज किया है अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना है। यहाँ पे आपको इस यहाँ पे डेटा यूजर्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करिए, और उसके बाद यहाँ पे आप पिछले 30 दिनों में कितना इंटरनेट यूज़ किया है उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। यहाँ पे मैं वाईफाई से मोस्ट ऑफ टाइम इंटरनेट यूज़ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10.58 GB डेटा यूज़ किया है पिछले 30 दिनों का डेटा यूजेज। आप देख सकते हैं मेरे पास ब्रॉडबैंड या कोई और इंटरनेट सोर्स नहीं है इथरनेट का, तो ये 0 MB दिखा रहा है। और अगर आप और डिटेल्स में देखना चाहते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर या ऐप बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूजर डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिए, और ये आपके लैपटॉप में इंस्टॉल सारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, और कितना डेटा पिछले 30 दिनों में उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या फिर ऐप ने यूज़ किया है, कंज्यूम किया है, वो यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिख जाएगा। यहाँ पे क्रोम 2.99 GB का पिछले 30 दिनों का डेटा यूज़ है, और तो कुछ इस तरह से आप डेटा यूजर्स को ट्रैक कर पाएंगे। और साथ में अगर आप मोर ऑफन डेटा यूजर्स ट्रैक करना आते हैं तो आप इसे चाहें तो स्टार्ट मेन्यू पे पिन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बार बार चेक करना होता है तो बार बार सेटिंग में जाना और वहां से क्लिक करके देखने से अच्छा है कि आप चाहें तो इसे स्टार्ट मेन्यू पे पिन कर सकते हैं। तो पिन करने के लिए यहां पे डेटा यूजर्स पे आपको राइट क्लिक करना है और पिन टू स्टार्ट मेन्यू कर देंगे, तो ये यहां पे आपको नीचे यहां पे अब आ जाएगा, और यहां से डायरेक्ट आप क्लिक करके डेटा यूजर्स को जो रिकॉर्ड है इंटरनेट डेटा यूज़ का वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।